लोग देख सकते हो कि नहीं, यहाँ पे देखिए पूरा मतलब इस टाइप का लग गया है। आई एम नॉट श्योर व्हाट इज़ दिस। मैंने होंडा में फ़ोन किया था बैक इन कलकत्ता, वो लोग बोल रहे कि शायद मेरा मोबाइल लीक कर रहा है, सो आई हैव टू टेक दिस टू द नियरेस्ट सर्विस सेंटर। गुड मॉर्निंग फोक्स, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। टाइम हो रहा है सुबह के 7:45। मैं सुबह थोड़ा और जल्दी उठा था, एक दो बार बाहर गया, थोड़ा सा देख वेख के आके वापस सो गया मैं, तो अभी उठा हूँ। इट्स प्रिटी डैम कोल्ड इन हियर। अभी भी स्लीपिंग बैग में हूँ, आप लोग देख ही सकते हो। सो आई विल स्टार्ट माई जर्नी विद इन हाफ एन आवर। सारा चीज़ पैकअप वगैरह करते उसके बाद निकल जाएंगे आगे के लिए। तो फिलहाल मैं थोड़ा आप लोगों को दिखा दूँ चारों तरफ का नज़ारा दिखता कैसा है यहाँ से। कल जब तक मैं टेंट पिच किया था तब तक तो रात हो चुका था, इसीलिए मैं दिखा नहीं पाया। सो आई एम गोना शो इट टू यू गाइस हाउ एग्जैक्टली दिस प्लेस लुक्स लाइक, हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। सो लेट्स शो इट। तो ये जगह आपका कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे आपका बॉनफायर वगैरह होता है लाइक ज़ीरो म्यूज़िक फेस्ट के टाइम में। दिस प्लेस इज़ लाइक फुल ऑफ क्राउड। यहाँ पे इतना टेंट पिच होता है कि मतलब बैठने का भी जगह नहीं होता है। सो या द प्लेस इज़ रियली सीरीन एंड यू कैन सी द लोकेशन हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। बिलीव मी इट इज़ जस्ट टू ब्यूटीफुल। एंड ईडम का मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस जगह पे टेंट पिच करने दिया। सो ही टोल्ड मी लाइक इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम, अगर आपको परेशानी हो कोई तो आप मेरे को बता देना, आप मेरे घर पे भी रुक सकते हो इफ़ यू वांट टू। हाउएवर मैंने ईडम को बताया कि नहीं ईडम, आई जस्ट वांट टू कैंप। मेरे को बहुत मन था कि ज़ीरो म्यूज़िक फेस्ट के लोकेशन के सामने आसपास में कहीं पर टेंट करूँ। सो दिस इज़ वन ऑफ द नियर बाई प्लेसेस। यस थोड़ा सा दूर है आई मीन, पर ठीक है। यू कैन सी द लोकेशन हाउ ब्यूटिफुल इट इज़। ओह मैन आई लव दिस प्लेस, आई एम इन लव विद दिस प्लेस। और यहाँ पे देखिए ये छोटे हट टाइप का बना हुआ है। तो जनरली क्या होता है ज़ीरो म्यूज़िक फेस्ट के दौरान यहाँ पे टेंट वगैरह जब पिच किया होता है नीचे में इस साइड में, यहाँ पे खाने का स्टॉल वगैरह रहता है इस साइड में। यहाँ पे आपका थोड़ा ट्री हाउस जैसा है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर में। पर जनरली इस पर क्या होता है, कोई मतलब माइक वाइक लेके स्पीकर वगैरह लगा के जैमिंग वगैरह होता है यहाँ पे, यू नो। इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। उस साइड में देख वहाँ पे छोटा सा, वहाँ पे भी स्टॉल लगाने का जगह है, फिर छोटा छोटा यहाँ पे बेंच बने हुए हैं, यहाँ पे आग लगाने का जगह है। सो और इस साइड में भी आग वगैरह लगा के मीट वीट रोस्ट किया जाता है। एंड और यहाँ पे आप लोग एक ट्री हाउस देख सकते हो, मतलब इस टाइप के ट्री के बीच में बनाया हुआ है। ईडम का खुद का बनाया हुआ है। ईडम मुझे बोल रहा था कि ये मैं खुद बनाया हूँ, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दूँ। आई होप यू गाइज आर लविंग द व्यू। कुछ इस टाइप से दिखता है ये ट्री हाउस, और इधर में आपका लोकेशन कुछ ऐसा हो गया। देखो भाई इससे बेहतर लोकेशन कहीं नहीं मिलने वाला है, बिलीव मी। और ऊपर से ऐसा दिखता है मेरा टेंट, शायद दिख रहा होगा आप लोगों को, मैं टेंट वहाँ पे पिच किया था। काफ़ी बढ़िया लोकेशन है। आज निकलने का प्लान है अभी थोड़ी देर पे, सफ़र आज काफ़ी लंबा है। सो आई विल स्टार्ट पैकिंग अप थिंग्स इन 5 मिनट्स। एंड आप लोग देख, मैं सोच ही रहा था कि आप लोगों को सारा, कल शाम को तो मैं दिखा नहीं पाया, तो क्यों ना अभी दिखा दूँ अच्छे से। एंड इट्स डैम कोल्ड यू नो, काफ़ी ठंड है यहाँ पे ज़ीरो में। ओ मैन, तो ये वाला जगह आपका एंजॉयमेंट करने के लिए, बैठने के लिए, टेंट वगैरह उस साइड पीछे होता है। मैं थोड़ा सा नीचे भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये साइड में ये जो लोकेशन है इस साइड, यहाँ पे भी कैंपिंग ही होता है सब ज़ीरो म्यूज़िक फेस्ट के लिए। तो चलिए आई विल स्टार्ट गेटिंग माई थिंग्स, आई विल स्टार्ट पैकिंग माई थिंग्स, फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है।
गुड बाय कहते हैं ज़ीरो कैंपिंग साइट को, निकल रहे हैं यहाँ से। टाइम थोड़ा लेट हो गया, ऑलमोस्ट 8:45 बज रहा है, काफ़ी लेट हो चुका। ईडम मेरे लिए वेट कर रहा है घर पे। कुछ छूटा तो नहीं है, चेक कर लिया सही से? हाँ, ऑल चेक्ड। अब यहाँ से निकालूँ कैसे? सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है, कल तो मैं जैसे तैसे उतार दिया था, पर आज उठाने में हालत शायद ख़राब हो जाए, क्योंकि हे भगवान, उतरना पड़ेगा लगता। चलो टालना पड़ेगा पीछे से। चलो एकदम, मैं निकलता हूँ, चलो थैंक यू सो मच, चलो बाय। हाँ अरे हाँ, मैं कॉल कर लूँगा। चलो एकदम बाय। हाँ सो ईडम को, ईडम के घर में मैं अभी आया था थोड़ा चाय वाय पीने के लिए। चाय वाय पीना हो गया, अभी मैं निकल रहा हूँ आगे पोटिन के लिए। पोटिन से फिर निकलेंगे नॉर्थ लखीमपुर के लिए, क्योंकि मैं दापोरिजो वाला रूट मैं नहीं लूँगा। मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ से रागा तक का रूट ठीक है, उसके बाद काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि आपका वहाँ पे कटिंग चल रहा है, माउंटेन कटिंग रोड बन रहा है वहाँ पे सीधा आलोंग तक। तो बहुत ज़्यादा मशक्कत करना पड़ जाएगा। आलोंग अप्रॉक्सीमेटली 200 किलोमीटर से ज़्यादा है, सो इट विल बी ह्यूज फॉर मी। तो ईरम में मुझे सजेस्ट किया और ताई ने भी बोला था मुझे ईटानगर में कि आप ये वाला रूट मत लेना। हाउएवर मैं पोटिन तक जाके फिर मैं वहाँ से नॉर्थ लखीमपुर होकर उधर से मैं पासीघाट निकल जाऊँगा। आज का प्लान तो पासीघाट का है, बट आई एम रियली नॉट श्योर क्या होगा रोड में, कितना टाइम लगेगा, आई डोंट नो अबाउट दैट। तो यही है, अभी आप लोग मेरे दाहिने तरफ देख ही सकते हो बैम्बू फॉरेस्ट। सो आई मीन सेरिनिटी के मामले में अरुणाचल इज लाइक ओ वाओ, उसके बारे में क्या कहना। आई हैव लव्ड माई जर्नी सो फार टिल जीरो। अभी आगे निकलेंगे, आगे का क्या होगा, आई एम प्रीटी श्योर इट विल गो वेल एज वेल, इट विल ऑल्सो गो वेल। सो वॉट एन आउटस्टैंडिंग हॉस्पिटैलिटी बाय ईडम, ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। यहाँ का वाइब भी अलग है, वाइब भी अलग है। चार बार फ्यूल बचा हुआ था, फिर भी मैं रिफ्यूल करवा ले रहा हूँ यजाली में, क्योंकि रोड का मेरे को उधर पता है नहीं कब कहाँ ज़रूरत पड़ जाए। जेरिकन में है, बट आई डोंट वांट टू यूज़ दैट नाउ, वो है अपना स्टॉक में, कोई इशू है नहीं। आई कैन फील इट व्हेनेवर आई वांट, बट दैट इज़ फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियोस। एज लॉन्ग एज पम्प मिलता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा हाँ बॉटल खाली हो चुका है, सोचा यही से थोड़ा सा पानी भर ले, क्योंकि इससे बढ़िया पानी कुछ हो ही नहीं सकता। ये एक बोतल रख देता हूँ, काम आएगा, और ये भी खाली हो गया, ये भी भर लेता हूँ, अच्छा रहेगा। पहुँचे नहीं है अभी भी, 5-7 किलोमीटर और होगा। टाइम बज रहा है 11:05, पता नहीं आज क्या होगा। इट इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्ग डे, इट इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्ग डे।
तो अभी पोटिन क्रॉस करने के बाद मैं बाया तरफ ये रोड से जा रहा हूँ किमिन के तरफ। किमिन करीबन और 40 किलोमीटर है इस रोड से। नियरेस्ट विलेज है लीची, जो कि है 12 किलोमीटर यहाँ से। रोड एकदम सुनसान है, कोई है ही नहीं। बीच में एक दो व्हीकल जस्ट मैंने पास करते देखा, अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स कम्प्लीटली एम्प्टी, यू नो। रोड उबर खाबर है बीच बीच में, हाउएवर पक्का रोड बना हुआ है, तो एटलीस्ट थोड़ा सा बीच बीच में गाड़ी को टान सकते हैं, ऐसा नहीं है। और बीच बीच में थोड़ा सा रुकना पड़ रहा है क्योंकि कर्व्स है, तो ब्रेक का प्रयोग करना पड़ रहा है, और थोड़े से इस टाइप का मतलब रोड है बीच बीच में। अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स फाइन। तो मेरा जो रूट रहेगा वो किमिन होके मुझे जाना पड़ेगा नॉर्थ लखीमपुर, फिर मुझे जाना पड़ेगा धेमाजी, सिला पथार के रास्ते, जोनाई के रास्ते, पासीघाट। सो इट इज़ क्वाइट अ लॉन्ग रूट, सो लेट्स सी हाउ दिस गोज टुडे। यहाँ से आपका हवा कैंप है 5 किलोमीटर, किमिन है 19, पाहुमारा है 37, एनएलपी 39, हरमुती 55 और बंदरदेवा है 63। सो अपने को यही रोड पकड़ के अभी निकलना है आगे। सो आई विल कीप मूविंग। टाइम हो रहा है 12:25 होने को है। गाड़ी एकदम अभी भगाना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि सफ़र अभी लंबा है, काफ़ी लंबा है। अच्छा हुआ वहाँ से मैंने पेट्रोल पंप फिल करवा लिया। तो वो एक बहुत ही वाइज डिसीजन था, क्योंकि बाद में कब मिलेगा नहीं मिलेगा आई डोंट नो, तो इट्स बेटर मैंने भरवा लिया वहाँ से। देख सकते हो, वाओ, आई लव द प्लेस। मैं रुका हूँ किमिन पहुँचने से कुछ किलोमीटर पहले, तो नज़ारा काफ़ी अच्छा दिख रहा है यहाँ का। आई मीन जस्ट लुक एट द कलर ऑफ द वाटर, इट लुक्स एब्सोल्युटली ग्रीन। एंड नीचे देखो, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन बंदरदेवा 44, NLP 26, 26 किलोमीटर यहाँ से और है नॉर्थ लखीमपुर। सो या लेट्स डू दिस। पर गर्मी भी बोल रहा है ऊपर से, लेट्स डू दिस। अभी पता चल रहा है गर्मी का प्रकोप। तो इधर से अगर मैं चला जाऊँ तो मैं पहुंच जाऊंगा नॉर्थ लखीमपुर, जो कि मैं जा नहीं रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ स्ट्रेट, यहाँ से आप लोग देख सकते हो जोनाई है 171 किलोमीटर्स, धेमाजी 71। तो अपने को इस रूट लेना है सीधा एकदम स्ट्रेट, धेमाजी होते हुए सिला पथार के रास्ते निकलेंगे पासीघाट के लिए। तो सफ़र अभी काफ़ी लंबा है, टाइम हो चुका है, दोपहर का 2 बज रहा है। मैं जस्ट एक स्टॉप दिया था अपना इंजन को कूल डाउन कराने के लिए, अराउंड हाफ एन आवर का। इंजन को कूल डाउन करवा लिया मैंने, एक ऑमलेट भी खा लिया, दो अंडा का एक ऑमलेट खा लिया, इंजन कूल डाउन करवाया, पानी वानी मारा थोड़ा फेस पे, अभी निकल रहे हैं आगे के लिए। सो या टुडे इज़ अ लॉन्ग डे। तो मैं रुका था 5 मिनट के लिए बीच में, धेमाजी अभी भी 30 किलोमीटर है यहाँ से। पर अनफॉर्चुनेटली एक वियर्ड चीज़ मेरे को नज़र आया यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो कि नहीं, यहाँ पे देखिए पूरा मतलब इस टाइप का लग गया है। आई एम नॉट श्योर व्हाट इज़ दिस। मैंने होंडा में फ़ोन किया था बैक इन कलकत्ता, वो लोग बोल रहे कि शायद मेरा मोबाइल लीक कर रहा है, सो आई हैव टू टेक दिस टू द नियरेस्ट सर्विस सेंटर। धेमाजी यहाँ से करीबन है आपका 35 किलोमीटर के आसपास। तो उससे पहले एक भैया बता रहे थे, उससे पहले भी एक सर्विस सेंटर है, सो आई नीड टू चेक दैट, बिकॉज इस हाल में ज़्यादा ऊपर ले जाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि पासीघाट उस साइड के बाद मुझे और कुछ मिलेगा नहीं।
सो आई रियली नीड टू टेक केयर ऑफ माई व्हीकल राइट नाउ, इट नीड्स, और मेरा मोबिल चेंज करने का भी टाइम हो चुका है, तो मैं दोनों काम एक साथ करवा लूँगा, मोबिल भी चेंज करवा लूँगा और देख रहा हूँ कि लीकेज का रीज़न क्या है। मोस्ट प्रोबेबली ऑयल सील कट गया होगा, मोस्ट प्रोबेबली। तो जाते हैं सर्विस सेंटर, देखते क्या सीन है वहाँ पे। आई नीड टू गेट दिस फिक्स ASAP, और कोई उपाय है नहीं, कांट रिस्क इट लेटर। अभी बड़े शहर के सामने में हूँ, एटलीस्ट आसाम होके जा रहा हूँ तो प्रॉब्लम नहीं है, तो यहीं पे चेक वेक कराते हैं। ओह गॉड, मैं अच्छा खासा गाड़ी चलाया, आप लोगों को पता है, लाइक मैं अराउंड में 70 के आसपास में क्रूज कर रहा था, द रोड्स आर फैंटास्टिक, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रहा था, आराम से मेरा व्हीकल वॉज परफॉर्मिंग एब्सोल्युटली फाइन। अनफॉर्चुनेटली ये थोड़ा सा इशू हो गया है, अब थोड़ा सा इसको जब तक फिक्स नहीं कराऊंगा मुझे भी सुकून मिलेगा नहीं, यू नो इट विल बी क्वाइट रिस्की इफ़ आई टेक माई व्हीकल लाइक दिस। यहाँ पे रोड में कुछ एक्सीडेंट हो गया था, लगता है कोई गाड़ी वाड़ी पलटी मार गया था, पहले का है, देख के तो अभी का लग नहीं रहा है, काफ़ी पहले का है, पर इसको अभी उठाने का कोशिश किया जा रहा है JCB की मदद से। सो या इसीलिए थोड़ा सा रोड ब्लॉकेज हो गया है। अभी भी धेमाजी पहुँचा नहीं हूँ, अभी भी टाइम 20 किलोमीटर के करीब करीब है, और 20 या 22 किलोमीटर है धेमाजी यहाँ से। आई एम लिटरली वरीड, गाड़ी थोड़ा पिकअप में ही भगाने का कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम बहुत बर्बाद हो रहा है ऑलरेडी। बीच में मैं ये 11 किलोमीटर वाला मैं होंडा देखते देखते आया, पर अनफॉर्चुनेटली मुझे कुछ मिला नहीं होंडा का सर्विस सेंटर वगैरह कुछ। सो आई होप धेमाजी इज़ द ओनली ऑप्शन दैट आई हैव लेफ्ट विद। रुकूंगा थोड़ी देर के लिए, कुछ चाय वाय पी लेते, बहुत मतलब थकान सा महसूस हो रहा है। तो होंडा पे मेरा ऑयल सील कट गया था, छोटा वाला ऑयल सील, बड़ा वाला ठीक ही था, छोटा वाला कट गया, तो उनके पास ऑयल सील स्टॉक में नहीं था, तो वो लोग बाहर से लेके आए मेरे लिए, लाके लगा दिए। दे वर वेरी क्विक एंड दे वर रियली वेरी हेल्पफुल, और मैंने लगे हाँ तो मेरा इंजन ऑयल भी चेंज करवाना था, तो मैंने करवा लिया। हाउएवर मैंने जो खरीदा था मैंने वो नहीं डलवाया, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक्चुअली जो गोल्डन कलर का जो आता है होंडा का इंजन ऑयल 800 ml का, वो मुझे मिल गया, तो इसीलिए मैं वो डाल लिया। हाउएवर जो मैंने खरीदा था आपका बालीपारा से, वो मेरे पास अभी भी स्टॉक में है, जस्ट इन केस, यू नो। तो ऑयल सील का इशू था, आई गॉट इट फिक्स, तो आराम से अभी देखते हैं क्या होता है नहीं होता है, आराम से चलते पासीघाट पहुंच पाऊंगा भी कि नहीं, आई डाउट नाउ, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, ऑलमोस्ट शाम के 5:30 बजने वाला है, 5:30 होने ही वाला है, तो इट्स नॉट गोना बी गुड। अभी सफ़र बहुत लंबा है, यहाँ से सिलापाथारे 25 किलोमीटर, फिर है आपका जोनाई, जोनाई के बाद है आपका पासीघाट, सो इट्स क्वाइट अ लॉन्ग वे, क्वाइट अ लॉन्ग वे। लोग देख सकते हो मैं जस्ट ऐसे ही खड़ा हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को बताने के लिए। सीन है ये जो रोड स्ट्रेट जाता है, ये स्ट्रेट जाएगा आपका जोनाई सिलापाथार होते हुए पासीघाट, और अगर हम लोग इस तरफ चले जाते हैं यहाँ से डायना तरफ, सीधा पहुंच जाएंगे बोगीबील ब्रिज, जो कि 16 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है यहाँ से ब्रह्मपुत्र के ऊपर। हाउएवर मुझे तो इस साइड जाना नहीं है, एंड दिन का टाइम होता फिर भी मैं चले जाता, जाके दिखा लेता। आई एम रियली वेरी सॉरी कि मेरा लेट हो गया, गाड़ी का प्रॉब्लम हो गया, अदरवाइज मैं दिखा देता, बहुत मन था जाने का। हाउएवर हम लोग धौला सुदिया वाला ब्रिज तो ज़रूर चलेंगे, तो यह से 16 किलोमीटर है जो कि ब्रह्मपुत्र के ऊपर से है, तो बहुत मन था ये वाला जाने का। हाउएवर इसीलिए मैं जस्ट थोड़ा सा रुक के सोचा आप लोगों को भी बता दूँ, तो क्या कर सकते हैं, लेट्स कीप मूविंग फॉरवर्ड। सिलापाथार जाने, क्योंकि मेरा फ्यूल पंप कम है, फ्यूल नहीं है, सिर्फ एक बार बचा हुआ है, सो आई हैव टू गेट इट रीफ्यूल एज सून एज पॉसिबल। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, चलिए। तो यहाँ पे सिलापाथार के रोड में मैं घुसा था, यहाँ पे पेट्रोल पंप में था मैं, जस्ट थोड़ा सा पेट्रोल वेट्रोल डलवा लिया, अभी यहाँ से शॉर्टकट मार के सीधा जोनाई वाला हाईवे पे निकलेंगे। तो यहाँ से भी सिलापाथार से भी आपका आलो जाया जा सकता है, पर प्रॉब्लम ये है यहाँ पे भी वही सीन है, रोड में कटिंग चल रहा है, रोड बन रहा है, रोड ख़राब है। सो यप, आई थिंक आई विल स्टिक टू द यूजुअल प्लान, पासीघाट। यहाँ से स्ट्रेट होगा आपका जोनाई, जोनाई से फिर होगा पासीघाट। तो अभी आपका टाइम हो रहा है 10:40, मैं पासीघाट पहुंच चुका था, अप्रोक्सीमेटली 1 घंटा हो गया होगा, 9:30 होटल ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया मुझे, अप्रोक्सीमेटली 1 घंटा तो मैं होटल ढूंढ रहा हूँ उसी जगह पे। देखिए मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो टू मेचुका, पासीघाट अगर स्किप कर पाओगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि रीज़न ये है पासीघाट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, मैं आप लोगों को बता दूँ,
होटल रूम्स आर वेरी एक्सपेंसिव फॉर अ सिंगल रूम इट्स इज अराउंड 1600 1700 इससे नीचे रूम नहीं मिल रहे एंड दैट इज दिस टाइम ऑफ द ईयर फेब मार्च का शायद आज 1 या 2 तारीख होगा सो यू नो अभी भी ठंड है ऊपर में कोई मतलब कोई सीजन टाइम भी नहीं है फिर भी इट्स वेरी एक्सपेंसिव तो अगर मैं रिटर्न आता हुआ कोशिश यही करूंगा कि इस तरीके से प्लान कराऊंगा मैं पासीघाट स्किप करके निकल जाऊंगा यहाँ पे रुकने के लिए मैं डेफिनेटली एक प्लेस है रिवर साइड लोकेशन था वो काफी अच्छा लोकेशन है मन था जाने का पर अभी तो नॉर्मल होटल में ऐसा प्राइसेस है वो तो रिवर साइड तो फिर तो चार्जेस और ज्यादा होगा तो मुझे ऑलमोस्ट डर ही लग गया है आई वुड नॉट टेक एनी मोर चांसेस क्योंकि तो फिलहाल आज के लिए इतना ही अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें मैं आपका होस्ट एंड दोस्त लोनली ट्रैवलर इजाजत चाहता हूँ आज के लिए एंड आई एम रेड टायर्ड जाके सो जाता हूँ बॉडी फेंकने की देरी है सो या सी यू गाइस टुमारो मॉर्निंग देन